दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भीमाणी। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। हर साल 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया में हर साल 8 लाख से ज्यादा सुसाइड होते हैं। हमारी उम्र बढ़े फिर भी ऐसी कोई निराशा न आए और नेगेटिविटी से दूर ही रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए, चलिए आज इसी विषय पर बातें करते हैं। मैं आपको गुप्ता जी की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। गार्डन वाला ग्रुप तो जैसे गुप्ता जी का फैन है और वो हैप्पी ग्रैंडपा के नाम से मशहूर है। आज उनका 91st बर्थडे था। उनके दोस्तों की लिस्ट और परिवार दोनों बहुत बड़े थे और हर कोई गुप्ता जी से बेहद प्यार करता है। गुप्ता जी की परपोती मिनी को तो बहुत ताज्जुब होता है कि दादाजी हर वक्त इतने हैप्पी कैसे रह सकते हैं। मिनी को तो जैसे हर वक्त दोस्तों से या मम्मी पापा से अनबन हो ही जाती है। मिनी को हर वक्त लगता था कि उसे कोई समझ नहीं पा रहा है। अब टीनेज में आ गई है और बड़ी हो गई है, फिर भी उसे कोई ठीक से बुलाता नहीं है। परिवार के 18 लोग एक ही सोसाइटी में आसपास के बंगलोज में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। हर कोई गुप्ता जी की बड़ी इज्जत करता है और वो भी सबको उतना ही प्यार और सम्मान देते हैं। इस ओर मिनी अपनी ही वजहों से दिल से खुश नहीं रहती थी। उसे हमेशा लगता रहता था कि लाइफ में कुछ कमी है। उसके दोस्त उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं और मम्मी भी चिड़चिड़ी रहती है। मिनी के टीनेज टेंट्रम्स और नेगेटिविटी धीरे धीरे पूरे परिवार पर असर कर रहे थे। दादाजी ने मिनी का ये बिहेवियर भांप लिया। गुप्ता जी के परिवार में एक नियम सालों से था। हर रविवार पूरा परिवार एक साथ लंच करता था और इस मौके पर गुप्ता जी ने मिनी वाले बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए अपनी बात शुरू की। आज मेरा जन्मदिन है और मुझे आप सब से एक गिफ्ट चाहिए। सबको देनी पड़ेगी। अच्छा, पहले मेरी इस बात को गौर से सुनिए। शायद आप सबकी लाइफ से ज्यादा परेशानियां मैंने देखी है। कुछ पैसों का प्रॉब्लम था तो कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां थी तो कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे, है ना। इन परेशानियों के बावजूद मैंने कभी हार नहीं मानी। भले ही आज हर कोई मुझे हैप्पी ग्रैंडपा कहता है, मगर मैं कई बार नेगेटिविटी से जूझ चुका हूँ। हाँ, कई बार खुद को ही सच्चा मान के औरों को नेगेटिव बॉक्स में डाल देते हैं, लेकिन हर बार ये सही नहीं होता। हाँ, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनल हो सकता है, मगर व्यू क्लियर होना चाहिए, उसके लॉजिक भी हमारे पास होने चाहिए। मैं हमेशा हर एक व्यक्ति में और हर एक परिस्थिति में पॉजिटिविटी देखने का प्रयास करता हूँ। मेरी लाइफ लंबी भी है और खुशहाल भी। लोग कहते हैं कि आप कितना जिए इससे ज्यादा कैसा जिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर मैं मानता हूँ कि दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। हेल्दी बॉडी के साथ हेल्दी माइंड का भी इतना ही महत्व है। छोटी छोटी नेगेटिविटी मन में भर के रखने से आगे जाकर वो खतरनाक साबित होती है। मैं आधे भरे ग्लास को आधा भरा हुआ ही देखता हूँ। उतना ही नहीं, मैं ये भी मानता हूँ कि बाकी रहा आधा खाली ग्लास भी भरा जा सकता है। और उसी आशा के साथ ऑनेस्टी से ट्राई भी करता हूँ। जिंदगी में सुख पाने का पागलपन और दुख का कंप्लीट रिजेक्शन, इन दोनों से थोड़ा दूर होके बैलेंस लाइफ जीनी जरूरी है। मेरे मरने के बाद सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब आप सभी मेरी इन बातों पर अमल करें। दोस्तों, गुप्ता जी की हैप्पी और हेल्दी लाइफ के दो सबसे बड़े सीक्रेट्स थे, ऑप्टिमिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी। एक रिसर्च के मुताबिक निराशावादी लोगों की तुलना में आशावादी लोग 15% ज्यादा जीते हैं। ऑप्टिमिज्म से स्ट्रेस कम होता है, आसपास के लोगों से बेहतर एडजस्टमेंट हो सकता है। आइए कुछ टिप्स देता हूँ जिसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, लाइफ अपने आप हैप्पी लाइफ बनने लगेगी। नंबर 1, नेगेटिव विचार अपना आयुष्य लेकर ही आते हैं, जो एक न एक दिन खत्म होते ही है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि हमारा अस्तित्व आनंद के लिए है। नंबर 2, मन की फीलिंग्स को सही जगह पर एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। सुख हो या दुख, दोनों को अपने विश्वास पात्र व्यक्ति के साथ बिना हिचकिचाए शेयर जरूर कीजिए। नंबर 3, याद रखिए, आपने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है जो इस दुनिया में आपसे पहले किसी ने ना किया हो। अपनी काल्पनिक गिल्ट ट्रिप से मुक्त हो जाइए।
अगर मांगनी पड़े तो माफी मांग लीजिए, और देनी पड़े तो माफी दे भी दीजिए, लेकिन मूव ऑन कीजिए। और नंबर 4, जिंदगी को कुछ इस तरह से देखिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का ही दिन है, क्योंकि आज का दिन आपकी बाकी रही जिंदगी का पहला दिन है। तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भीमाणी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ। तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भीमाणी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें। सो बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।